इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसमें वी आर डिस्कस, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यह आपने अभी तक पढ़ चुका है प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लोग आज एक अनदर इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ यूज करेंगे, जो कि बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका नाम है पिनोफ्थिलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपका टू इंडिकेटर्स है, वन इज ऑल्सो द मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब बच्चों सिंपल क्या करना है, क्या होता है अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ बुक में हम लोग का एक फिगर, ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि हम लोग बेस ले लेते हैं। ठीक है, आप बेस ले लोगे तो सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में काके बेस ले लिए और इसमें काके हम लोग पिनोफ्थिलीन डाल दिए, तो आप देखते हैं बेस के साथ पिनोफ्थिलीन ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्चुअली पिनोफ्थिलीन और बेस दोनों क्या आता है बच्चों की कलरलेस होता है, इसका कोई कलर होता नहीं। एंड यू सी चिल्ड्रन, इन दिस फिगर वी एड ड्रॉप वाइज एसिड, तो यू सी द पिंक कलर्स इज डिसअपियर, ये पिंक कलर धीरे धीरे गायब हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, ये जो एसिड और बेस एक दूसरे को प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है। देखो, फिल वन फोर्थ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन द कलर, ठीक है, नोट द कलर ऑफ द पिनोफ्थिलीन सॉल्यूशंस, ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज द कलर, एड टू एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय द ड्रॉपर्स, ठीक है, स्टार जेंटली इट इज चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन कंटिन्यूअस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप द स्टारिंग विद पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, नाउ एड ए मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट यू ऑब्जर्व द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द चेंज इन कलर द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, इट इज एविडेंट दैट वन सॉल्यूशन इज बेसिक पिनोफ्थिलीन गिव पिंक कलर्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट्स रिमेन कलरलेस। ठीक है, तो आपको बारी बारी से आप बार बार यदि ऐड करते रहेंगे तो ये आपको कलर में चेंजिंग आता रहेगा। तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है कि एसिड और बेस में एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वेन द एसिड सोल्यूशन इज मिक्स विथ बेसिक सोल्यूशन बोथ सोल्यूशन न्यूट्रलाइज दियर्स इफेक्ट इच अदर, यहाँ क्या कर रहा है दोनों, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है दोनों का इफेक्ट को। वेन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्स सुटेबल अमाउंट बोथ द एसिडिक नेचर्स, ठीक है, ऑफ द एसिड्स एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस, ये क्या करता है दोनों एक दूसरे का जो नेचर है उसको क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेस, जो रिजल्ट सोल्यूशन होता है एसिडिक भी नहीं होता बेसिक भी नहीं होता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, व्हाट डू ऑब्जर्व द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व, द इवोल्यूशन ऑफ हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, इसमें क्या है जनरली बच्चों जो केमिकल रिएक्शन होता है या तो उसमें हीट प्रोड्यूस या इवॉल्व होगा, इसमें क्या होता है टेम्परेचर राइज हो जाता है जो आप रिएक्शन जिसमें करवाएंगे टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों कि दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, एक प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है, और वाटर होता है। तो आप जैसे बच्चों याद रखोगे, ठीक है, जैसे एसिड, ठीक है, प्लस बेस हम लोग रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, क्या होता है इसमें आपका ये जो बनता है सॉल्ट प्लस ये वाटर बनता है। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हमारा फिक्स है, तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों सॉल्ट जो हो सकता है वो हमारा एसिडिक भी होगा, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये बच्चों क्या है, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बच्चों देखो डिफिनेशन है, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये रिएक्शन यहाँ होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखोगे एक एग्जांपल है, ठीक है, जैसे यहाँ
रिएक्शन हो रहा है। देखो बच्चों, HCl को हम जो रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ सॉल्ट और वाटर बन रहा है। सॉल्ट में NaCl बनता है, ठीक है। यहाँ बच्चों देखोगे ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, तो ये सॉल्ट जो है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और आगे नेक्स्ट थिंक बात करेंगे टॉपिक का। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।